अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनों, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नियमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है।